नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 12 अप्रैल 2020 से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। Which country will host the indoor hockey world cup 2021? तो कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट करेगी इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप 2021? 2021 में जो इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो हमारा आंसर होगा बेल्जियम। बेल्जियम कंट्री जो है वो होस्ट करने वाली है 2021 का इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप की। तो इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप जो है ये फाउंड हुआ था 2003 में, जिसमें टोटल टीम्स जो होती हैं वो 12 टीम होती हैं, और लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ है वो हुआ है 2018 में, जिसमें मेंस का जो टाइटल है वो जीता है ऑस्ट्रिया ने और वुमेन्स में टाइटल जीता है जर्मनी कंट्री ने। और आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप जो है ये ऑर्गेनाइज कौन कराता है? तो इसको ऑर्गेनाइज कराती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ये नाम आपको याद रखना है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऑर्गेनाइज कराती है इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप। अब यहाँ पे बात हुई है बेल्जियम कंट्री की। तो बेल्जियम कंट्री जो है उसकी कैपिटल होती है ब्रुसेल। अब ब्रुसेल से आपको याद आया होगा कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में, ये आपको याद रखना है। बेल्जियम की जो करेंसी होती है वो होती है यूरो। यूरो जो करेंसी होती है वो होती है बेल्जियम की। अब 2002 से पहले जो बेल्जियम की करेंसी थी वो थी बेल्जियन फ्रैंक, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले जो बेल्जियम की करेंसी होती थी वो होती थी बेल्जियन फ्रैंक, लेकिन 2002 में यूरो इंट्रोड्यूस होने के बाद बेल्जियम की करेंसी हो गई है यूरो। रिसेंटली हु रोट अ बुक द आर्ट ऑफ हर डील। तो अभी हाल ही में जो एक ये बुक पब्लिश करी गई है द आर्ट ऑफ हर डील, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर होगा मैरी जॉर्डन। मैरी जॉर्डन जो है इनके द्वारा लिखी गई है द आर्ट ऑफ हर डील बुक। अब ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों होती है? इन्होंने ये जो बुक लिखी है ये लिखी है मिलेनिया ट्रंप के ऊपर। मिलेनिया ट्रंप जो है उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है, जिसका पूरा नाम पता होना चाहिए, जिसका पूरा नाम है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलेनिया ट्रंप। और मैरी जॉर्डन जो है इनको एक काफी ज्यादा फेमस अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो कि है पुलिट्जर अवार्ड। ये भी आपको याद रखना है, मैरी जॉर्डन जो है इनको पुलिट्जर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो बुक है द आर्ट ऑफ हर डील, ये जो है मेलानिया ट्रंप जो है उनके 100 इंटरव्यू के ऊपर लिखी गई है। रिसेंटली हिंदुस्तान यूनिलीवर हैज पार्टनर्ड विद होम टू फाइट कोविड-19। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है उसने किसके साथ पार्टनरशिप करी है या फिर समझौता किया है कोविड-19 से लड़ने के लिए? तो हमारा आंसर होगा यूनिसेफ। यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ पार्टनरशिप करी है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। अब ये जो पार्टनरशिप करी गई है ये किस लिए करी गई है? तो देश के लोगों को जागरूक करने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। अब दोस्तों, यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है, तो आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में पता होना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है ये एक कंपनी है जो कि स्टेब्लिश हुई थी 1933 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और करंट सीईओ जो है, सीईओ इंपॉर्टेंट रहेंगे, सीईओ जो है करंट वो है संजीव मेहता। संजीव मेहता करंट सीईओ है हिंदुस्तान यूनिलीवर के। अब यहाँ पे बात हुई है यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में, और ये फाउंड हुई थी 1946 में। और इसके जो हेड हैं वो है हेनरिटा एच फोर। हेनरिटा एच फोर जो है वो हेड है यूनिसेफ की। अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट इंडिया जीडीपी इन 2020-21 विल बी। यूएन की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इंडिया की जो जीडीपी होगी 2020-21 वर्ष में वो कितनी होगी? तो हमारा आंसर होगा 4.8%। यूएन ने अनुमान लगाया है कि इंडिया की जो जीडीपी होगी 2020-21 में वो 4.8% होगी। अब यहाँ पे जो जीडीपी आया है उसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बात हुई है यूनाइटेड नेशन यूएन की, तो यूएन की फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र, जो कि स्टैब्लिश या फिर स्थापना हुई थी उसकी 1945 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में, और करंट प्रेसिडेंट जो है यूनाइटेड नेशन के वो है एंटोनियो गुटरस। और मेंबर कंट्रीज पता होना चाहिए आपको, तो यूएन की मेंबर कंट्रीज है 193 मेंबर कंट्रीज है यूएन की।
रिसेंटली वेयर COVID-19 24/7 हेल्थ चैनल लॉन्च्ड। तो अभी हाल ही में जो COVID-19 का 24/7 हेल्थ चैनल जो लॉन्च किया गया है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो हमारा आंसर होगा निकोबार, अंडमान एंड निकोबार में जो निकोबार है वहां पे लॉन्च करा गया है COVID-19 का 24/7 हेल्थ चैनल, जिसमें कि सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी बातों की अवेयरनेस के लिए ये 24/7 हेल्थ चैनल जो है ये लॉन्च किया गया है निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार जो है ये एक इंडियन यूनियन टेरिटरी है और अंडमान एंड निकोबार का जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्लाइड एस्मा? तो एस्मा जो है वो कौन सी इंडियन स्टेट है जिन्होंने अप्लाई कर दिया है? तो हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट जो है इन्होंने एस्मा लगा दिया है अपनी स्टेट में। अब दोस्तों यहाँ पर एस्मा वर्ड जो आया है इसका क्या मतलब होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट, और ये उस समय लागू किया जाता है जब बड़ी संख्या में कर्मचारी जो होते हैं वो अचानक छुट्टी ले लेते हैं और सरकार को उनकी जो है जरूरत होती है, तो ऐसे टाइम पे एस्मा जो है वो लागू किया जाता है। तो मध्य प्रदेश स्टेट जो है उन्होंने एस्मा जो है वो लागू कर दिया है, उनके जो कर्मचारी हैं वो बड़ी मात्रा में छुट्टी ले रहे हैं और उनको कर्मचारियों की जरूरत है। तो यहाँ पे स्टेट आई है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश स्टेट जो है उसकी कैपिटल होती है भोपाल, करंट चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ प्लान टू क्रिएट फेस मास्क इन देयर प्रिजंस? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि वो एक फेस मास्क का जो है प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं जेलों में? तो हमारा आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट जो है उनमें जो भी जेल्स हैं वहां पर जो फेस मास्क हैं वो बनवाए जा रहे हैं। अभी तक जो तमिलनाडु की जेल है उनमें 35,000 से ज्यादा मास्क बनवाए जा चुके हैं और मार्केट में भी उनको डिस्ट्रीब्यूट करा जा चुका है, और अभी और भी मास्क जो है वो बनवाए जा रहे हैं प्रिजंस में। और यहाँ पर अब स्टेट आई है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर हैं ईके पलानी स्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। रिसेंटली हु स्टार्टेड भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन? तो भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट करी गई है? तो हमारा आंसर होगा MHRD। MHRD जो है इनके द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट करी है जिसका नाम है भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। MHRD जो है ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग पे सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इसलिए ये कोशिश करी जा रही है कि ऑनलाइन कोचिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, इसलिए ये कैंपेन स्टार्ट करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। प्रेजेंट MHRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, और अभी हमने पीछे ही डिस्कस करा था कि MHRD ने AICTE के साथ मिलकर स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है MHRD के द्वारा AICTE के साथ मिलकर। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन शील्ड टू फाइट COVID-19? तो अभी हाल ही में ऑपरेशन शील्ड जो है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करा गया है? तो हमारा आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट जो है उन्होंने लॉन्च करा है ऑपरेशन शील्ड। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन शील्ड है उसमें शील्ड की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो शील्ड में जो एस वर्ड है वो होता है सीलिंग ऑफ एरिया। इसमें अगर किसी भी एरिया में कोई COVID-19 पेशेंट पाया जाएगा तो उस एरिया को दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से सील कर दिया जाएगा। एच की फुल फॉर्म होती है होम क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन करे जाएंगे, अगर कोई भी सस्पेक्ट मिलेगा तो उसको होम क्वारंटाइन करा जाएगा। आई की फुल फॉर्म होती है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है उसको आइसोलेट किया जाएगा। ई की फुल फॉर्म होती है एसेंशियल सर्विस एश्योर्ड, एसेंशियल सर्विस जो है वो जारी रहेंगी। एल का मतलब है लोकल सैनिटाइजिंग, लोकल एरियाज जो है उनको सैनिटाइज करा जाएगा। और डी का मतलब है डोर टू डोर सर्वे, डोर टू डोर सर्वे करा जाएगा, लोगों के घर पे जाके सर्वे करा जाएगा कि यहाँ पर कोई कोरोना वायरस का पेशेंट तो नहीं है। तो शील्ड की जो फुल फॉर्म है आपको ये याद रखनी है। और अभी पीछे हमने डिस्कस करा था कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 5G प्लान भी लॉन्च करा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और वीडियो में मैंने आपको 5G प्लान जो थे उसमें जो 5G थे उनकी फुल फॉर्म भी बताई थी, वो भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे ऑपरेशन शील्ड आया है तो बाकी और दो ऑपरेशन थे, एक था ऑपरेशन नमस्ते और ऑपरेशन संजीवनी।
ये दोनों ऑपरेशन जो हैं ये किसके द्वारा लॉन्च करे गए थे, तो ये आप मुझको कमेंट करके बताएंगे, जो कि हम पहले अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। रिसेंटली एडीबी अनाउंस टू गिव हाउ मच बिलियन डॉलर मनी टू इंडिया टू फाइट कोविड-19। तो दोस्तों एडीबी जो है उसने कितने पैसे देने की अनाउंसमेंट करी है इंडिया को कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो हमारा आंसर होगा $2.2 बिलियन। $2.2 बिलियन जो है वो दिए जाएंगे एडीबी के द्वारा इंडिया को कोविड-19 से लड़ने के लिए। अब यहाँ पे बात हुई है एडीबी, तो एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, और इसके जो करंट हेड हैं वो है मत्सुगु असकवा। मत्सुगु असकवा जो है वो प्रेजेंट हेड है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।